चल करके बेटे क्या नाम आपका? मेरा नाम रवनीत है। रवनीत क्या करने के लिए आए बेटे दिल्ली? मैं 3 कानून रद्द करवाने के लिए आई। क्या बात? अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 10 ईयर्स। मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन बढ़ता ही जाने लग रहा है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूंगा कि इन सभी का जोश दिखाए जो इस संगठन पंजाब से चल करके डिग्री बॉर्डर के ऊपर आया है। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है? इस आंदोलन का कहना भी मोदी सरकार जो काले कानून ने तिन्ने वापस लवे लोगों से बहुत बड़ा रोह है। पूरे भारत का जो भाईचारा एक हो चुका है, इन्हों काले कानून वापस करने ही पैणगे। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब इस आंदोलन को लेकर के? सरकार झुकने का नाम नहीं ले रही है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी सारिया एक हो चुके हैं तो इन्हों रद्द करने पैणगे। पहला काम नहीं रहा भी देखो देख वोटा पा, हूँ लोग सियाने हो गए, बजुर्गों अनपढ़ कहते नहीं सियाने हो गए, ये कानून रद्द करने पैणगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। क्या कहना थोड़ा साइड हो भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार बार बार ये कह रही है कि विपक्ष बैठा है, कांग्रेस बैठी है, वो अभी तक इन कानूनों को सही बता रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जब कांग्रेस इस कानून को पास करने लगी थी तब बीजेपी वाले कहते थे कि ये कानून गलत है, किसानों के लिए खतरनाक है, किसानों की मौत होगी। आज ये पास कर रहे हैं तो ये वरदान है किसानों के लिए, किसानों की मौत है। ये किसान समझ चुका है, कोई अनपढ़ नहीं है, सभी को इस कानून का ज्ञान है। इसकी खेती मर जाएगी, किसान मर जाएगा, खेतों पे कब्जा हो जाएगा कारपोरेट किसानों का। इसके लिए इसको हर हालत में तीनों कानूनों को रद्द करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं जो जोश है, मतलब ये पूरे हिंदुस्तान का एक राष्ट्रीय आंदोलन बन चुका किसान आंदोलन ना होकर के, क्योंकि हर राज्य से किसान दिल्ली के ऊपर कूच कर चुके हैं। ये छोटी छोटी बिटिया आप देख सकते हैं इनके अंदर कितना जोश है, जो बिटिया भी पंजाब से चल करके। बेटे क्या नाम आपका? मेरा नाम रवनीत है। रवनीत क्या करने के लिए आए बेटे दिल्ली? मैं 3 कानून रद्द करवाने के लिए आई। क्या बात? अच्छा, कितनी उम्र होगी आपकी? 10 ईयर्स। 10 साल की बेटी के अंदर कितना जोश है, के तीनों कानून न रद्द करवाने के लिए आई हूँ, और काले कानून का है बेटे, यानी काले कानून। अच्छा चल, मेरा गलत। बेटे क्या नाम आपका? बेटे अनंसिया। आपकी कितनी उम्र होगी? हम 13। क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन को लेकर के और क्या करने के लिए आए बेटे आप यहाँ? ये हमारे फ्यूचर के बारे में, और हम इनको रद्द कराने आए हैं। रद्द कराने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे बेटे? असि ये काले कानून रद्द कराने आए हैं तो रद्द करा के ही जावांगे। जी जी ताई जी, बुजुर्ग महिलाओं के अंदर भी, बुजुर्ग किसानों के अंदर भी जोश है, बढ़ता ही जाने लग रहा है। लेकिन मोदी सरकार अभी तक केवल किसान नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है, झुकने का नाम सरकार नहीं कह रही है। सरकार केवल एक बात कर रही है कि हम कानूनों के अंदर संशोधन करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार बार बार कह रही है कि हम केवल संशोधन कर सकते हैं, कानूनों के अंदर रद्द नहीं करेंगे। सरकार कुछ भी बोले पर लोग अपना मन बना चुके हैं। पूरे पंजाब का मामला नहीं, पूरे इंडिया का मामला नहीं, पूरे संसार का मामला है। फार्मर के साथ किसी भी देश में जब आपत्ति होती है तब पूरा संसार चलता है। आज पूरा संसार चल रहा है, ये गल क्लियर हो चुकी है जी। मोदी सरकार है वो कारपोरेट घराने की बन चुकी है। मोदी कारपोरेट घराने का चौकीदार है, वो देश का चौकीदार नहीं है, वो कारपोरेट घराने का चौकीदार है, हमारा चोर है। इस चोर को बहुत जल्दी भगाना है। हमने काले कानून वापस कराने हैं, हम पंजाब से अहद ले के चले हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं जाएंगे हम दिल्ली से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। कितना जोश और जुनून इन सभी, क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन को लेकर के भाई साहब? ये तन्ने काले कानून रद्द करनी पड़ेंगे, असी पूरा इकट्ठ करके आ रहे हैं तो इन्हें तो रद्द करा के जावांगे, और जिन्ना चिर रद्द नहीं करते असी उरी बैठे रहेंगे। जब तक कानून रद्द नहीं होता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। हाँ जी, यही मन के अंदर आप आखिरी फैसला सोच करके आए हैं? हाँ जी हाँ जी। कभी हमको टेररिस्ट बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ये बात है। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा पंजाब भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी, मैं दुष्यंत चौटाला से कहना चाहूँ, मैं हरियाणा का नौजवान 21 साल का, जब मैं उचाणा हल्का के अंदर मेरा गांव है, वो जब उचाणा में आया उसने कह गया मैं किसानों का गेला हूँ,
दूषण चौटाला आपके ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं दूषण चौटाला को ये कहना चाहता हूँ, अब आप कहाँ हो? जब किसानों को आपकी जरूरत है, हमें आपकी जरूरत है, मैं 21 साल का जवान हूँ, मैंने आपकी जरूरत है, इस किसान आंदोलन हरियाणा को आपकी जरूरत है, और आप बीजेपी के गोडिया में बैठे हैं, तो कम से कम यह तो सोच ले 2024 में जदगामा में बढ़ेगा तो ये नौजवान तेरा बहिष्कार करेंगे और पोस्टर लावांगे। इस ग्राउंड मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मेरे गांव के अंदर कहूंगा, मेरे गांव के अंदर इनको कहना चाहूंगा, भाई साहब आपके माध्यम से मेरा गांव में पोस्टर लाऊंगा, जय जय भी और बीजेपी का बहिष्कार करने का काम करेंगे हम। मेरा गाँव किरमारा हिसार जिला, आप देख सकते हैं युवाओं के अंदर भी दूषण चौटाला के प्रति बार बार गुस्सा फूट करके आने लग रहा है। आप इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ग्राउंड मीडिया के लिए टिकरी बॉर्डर से। बहुत गंदी सोच है दूषण चौटाला की। हमारे जमींदार भाई जो रोड़ा में बैठे हैं, उसने कदे भी नू नहीं कहा मैं मां तारा गेला हूँ, लेकिन जिताने का काम हरियाणा की जनता ने किया, लेकिन वो मोदी तो डर गया, अमित शाह तो डर गया और आज वहां चला गया। और वो वैसा मैं ग्राउंड मीडिया के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ मीडिया को, वो क्या कह रहा है, जब तक MSP लागू होगी MSP आपकी हो रहेगी और मैं MSP रहेगी, MSP पर फसल नहीं लेंगे तो मैं मेरा इस्तीफा दे दूंगा। अरे ईब इस्तीफा दे ईब कड़ा जा रहा है, इन जमींदारा ने तेरी जरूरत सा, अरे ये 90 साल के बूढ़े अरे रोड़ा में पड़े हैं, अरे जड्डार पाड़ा इनकी खाल खिंचन लाग रहा, और तो चंडीगढ़ में AC में बैठा सा, अरे ये 21 साल के छोरे आज रोड़ा में रोन लाग रहे, अरे मैं मारी आने वाली पीढ़िया ने अरे क्या जवाब देवांगे, अरे दूषण चौटाला तेरा का हाथ जोड़ू हूँ, अरे काले कानून इस बीजेपी ने छोड़ दे, इबी तेरा गेला लाग जाएंगे, अरे नहीं तेरा वो हाल हो जाएगा। हरियाणा में कल कुआवत सा नागर करना का हटका कड़ा का नारा का इन बीजेपी का गेला रहा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप देख सकते हैं इस युवा के अंदर भी बार बार गुस्सा है, और पंजाब के जो किसान है, जो छोटी छोटी 10 साल की गुड़िया थी, उसका भी कहना कि जब तक काले कानून रद्द नहीं हो गए तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। अपने ग्राउंड मीडिया सहयोगी इंतजार आलम के साथ मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।